अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेसन और अंडे से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जब कुछ भी समझ में ना आए आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा बेसन। बेसन ले लिया है मैंने 1 कप के बराबर। इसको पहले छान लीजिएगा, छान कर फिर हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है तकरीबन 1/2 कप के बराबर और मेजरमेंट में अगर देखा जाए तो 3 टेबलस्पून के बराबर होगा। इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। आधी प्याज मैंने ले ली थी, बड़े साइज़ की थी तो आधा कट कर लिया था और चॉप करके ऐड कर ली है। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें यूज़ की हैं, इसमें बारीक बारीक इनकी कटिंग कर ली है। साथ इसमें टमाटर ऐड करेंगे, तो आधा ही टमाटर मैंने ऐड कर लिया है। अगर छोटे साइज़ का टमाटर हो तो पूरा ही ऐड कर लीजिएगा। थोड़े छोटे स्लाइसेस में इसकी कटिंग कीजिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अंडा। जर्दी समेत ही अंडे को ऐड कर देंगे। इसके बाद बारी आती है स्पाइसेस ऐड करने की, तो सबसे पहले ऐड कर देंगे नमक। नमक अकॉर्डिंग टू फ्लेवर और टेस्ट अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, ये भी 1 टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे, साबुत ही ऐड कीजिएगा। 1/2 टीस्पून के बराबर हल्दी ऐड कर देंगे जिससे बहुत अच्छा सा कलर आता है, टेस्ट आता है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1/2 टीस्पून हमने ऐड करना है क्योंकि कुटी हुई लाल मिर्च भी हमने ऐड करनी है। तो दोनों 1/2 1/2 मैंने ऐड कर लिए हैं। साथ इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर देंगे ऑयल, जिससे डो बहुत ही सॉफ्ट सी बनेगी। जो लिक्विड हमने रेडी करना है बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो अच्छी तरह से अब हमने मिक्स करना है, और पहले अभी इस टाइम पर मैंने पानी देखिए ऐड नहीं किया, ऐसे ही मिक्स करेंगे। तब हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी पता चल जाएगी कि हमने इसमें कितना पानी ऐड करना है। पहले से एकदम से पानी नहीं ऐड करेंगे, पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। तो पानी यहाँ पर अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप के बराबर, और फुल रेशो आपके साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ये लिक्विड बहुत ज़बरदस्त बनेगा, आप जब ये रेसिपी बनाएंगे परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए 1 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है, लेकिन अभी एक थिक है, हमें इसे थोड़ा और पतला करना है, तो इसमें 1/2 कप के बराबर और पानी ऐड कर देंगे। तो तकरीबन 1.5 कप के बराबर इसमें मैंने पानी ऐड किया है। जिस कप से मैंने मैयर किया था बेसन, उसी से ही पानी मैयर कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर आप नमक मिर्च मसाले चेक भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, अगर और डालना हो तो ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लिया है, एक पैन ले लेंगे। पैन में ऑयल ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ही, ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसमें, और अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो जो हमने लिक्विड बना कर रखा है वो हमने इसमें डालना है। इस तरह से डालते जाएंगे और एजीज वगैरह बिल्कुल सेट करते जाएंगे, आसानी के साथ इसकी शेप आ जाती है और बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी ये मज़ेदार सी रोटी तैयार होती है। तो डेली आप सब्ज़ी बना बना कर थक चुके हैं, तो ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए, बहुत ही डिफरेंट है, खाने में मज़ेदार है, और इसका फ्लेवर इस तरह से आएगा जिस तरह से मिसी रोटी बनाई जाती है बेसन वाली। बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत आसान है बनाने में, तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आप ये रेसिपी बना सकते हैं। नाश्ते में बनाइए या फिर लंच टाइम में दही के साथ सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है, हाई फ्लेम पर इसे कुक नहीं कीजिएगा, वरना ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्चा रहेगा। आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो रहा है, और जैसे ही मुझे लगेगा कि ऊपर तक ये अच्छे से कुक हो चुका है, उसके बाद मैं इसे टर्न कर दूंगी। तो बहुत ही आसानी के साथ इसे हम टर्न कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ये टूटेगी, और ना ही हमें प्लेट वगैरह रख के इसको फ्लिप करना है। आसानी के साथ आप इसको टर्न कर सकते हैं और दोनों साइड से बहुत अच्छा सा कलर दे दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी रेसिपी बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके घर में बेसन अंडा मौजूद है और थोड़ी सी वेजिटेबल्स मौजूद हैं तो इन्हें मिक्स कीजिए और इस तरह से ये रेसिपी बनाइए, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। तो देखिए अच्छे तरह से मैं नीचे से भी इसको कुक कर लूँगी, जब नीचे भी बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको उतार लेंगे। और इसी तरह से मैं सारी जो पैनकेक्स आप कह सकते हैं या फिर रोटी है उसको बना कर रख लेंगे और सर्व करेंगे।
इसी तरह से एक और रेडी कर लेते हैं। बस आपने फटाफट से इसको ऐड करना है, हल्का सा चम्मच को घुमाना है और उसके बाद साइड्स पर भी आप इस तरह से लिक्विड ऐड कर देंगे, बहुत अच्छे से ये कंबाइन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी ही ये रेडी कर ली थी रोटियाँ और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगी। और जिस तरह से गर्मियाँ हैं, गर्मियों में बिल्कुल भी समझ नहीं आता और इस तरह की रेसिपीज़ ट्राई की जाती हैं जो बहुत ही क्विकली बनाई जाएँ, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।